एम जी एस्टर तो बहुत देख ली भाई आपने मेरी वीडियोस में, बहुत सारी मैंने इसकी तारीफ भी करी है, बहुत अच्छा, मैंने इसका रिव्यू तो आपके साथ शेयर कर दिया। पर अभी एक रियलिटी बताऊँ, कंपनी से तो गाड़ी मिली नहीं है, तो इसलिए आज मैं इसकी आपको गाड़ी की रियलिटी बताऊँ, कुछ नेगेटिव्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या नेगेटिव्स देखने को मिले हैं गाड़ी को ओन करने के बाद। एंड गाड़ी थोड़ी बहुत चला ली है, डेफिनेटली मेरा फ्रेंड ओन करता है, पर मैंने इस गाड़ी को थोड़ा बहुत ड्राइव कर लिया है, तो मुझे पर्सनली क्या क्या इस गाड़ी के अंदर नेगेटिव्स लगे। तो अब सबसे पहला जो नेगेटिव आप कंसिडरेबली कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। अब जो इसकी लुक है ना, डेफिनेटली लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर लुक थोड़ी ना क्रॉस ओवर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो वो एक आपको एसयूवी वाली फील नहीं दे रही जिस सेगमेंट के अंदर ये आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली ये गाड़ी फील नहीं देती है, एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे पर्सनली ये लगता है। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नेगेटिव है, थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। अब गाड़ी के अंदर आ जाओ, बाकी नेगेटिव्स मैं आपके साथ गाड़ी के अंदर शेयर करूंगा। अब गाड़ी में जो सबसे जो मेजर नेगेटिव लगता है ना, वो ये है, आपको मैं सनरूफ दिखाऊंगा। सनरूफ हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, आप देख पा रहे होंगे, पर सनरूफ में ही आपको इशू देखने को मिलता है, वो ये है, जो इसका ब्लाइंड है वो बहुत ही ज़्यादा थिन आपको देखने को मिलता है, ब्लाइंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा थिन है, जिस वजह से इसका एसी बहुत ज़्यादा कम इफेक्टिव रह पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव है, एमजी को ध्यान देना चाहिए था, अगर इंडियन मार्केट के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रही है तो उसको कंसिडर करना चाहिए था कि इंडियन मार्केट के हिसाब से, जैसे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए था। अब एक और चीज़ नेगेटिव मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, अब वो है इस गाड़ी में ना थोड़ा अर्गोनॉमिक्स का इशू है, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल की प्लेसमेंट यहाँ पे है, एंड स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए आपको स्पेशली ऐसे आपको स्पेशल हाथ लेके जाना पड़ता है, स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है। थोड़ा अगर अर्गोनॉमिक्स में एमजी थोड़ा ध्यान देता तो थोड़ा बेटर रहता एज अ प्रोडक्ट, अगर आप 20-22 लाख रुपए स्पेंड करें किसी चीज़ पे, तो ये वाले जो सारे नेगेटिव जो है थोड़े हैम्पर करते हैं ये चीज़ कि आपको ऐसे अर्गोनॉमिक्स में थोड़ा सा इशू देखने को मिले। एंड ड्राइवर के लिए भी, अब जो उसकी MID, आप इसको एक बार मैं आपको MID दिखाना चाहूँगा, इसी MID में आपको सारे कंट्रोल देखने को मिलता है, AC का कंट्रोल है, जैसे आप यहाँ से देख पड़ेगा, फैन की स्पीड कम होगी, फैन की स्पीड ज़्यादा होगी, टेम्परेचर आपको घटाना बढ़ाना है तो यहीं से होगा। पर ये थोड़ा ना, अगर थोड़ा ये एक चीज़ मैनुअल कंट्रोल होता थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, उसके पीछे एक रीज़न है। अब बहुत लोग कहेंगे टच स्क्रीन कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, पर यहाँ पे ना एमजी ने जो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी दी है वो इतनी अच्छी ऑफर नहीं करी है, तो इसका जो टच स्क्रीन है वो लैग करता है, जैसे अगर मैं गाड़ी बंद करके अगर मैं ऑन करता हूँ तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो गाड़ी इंस्टेंटली ऑन कर दी तो इसलिए इंस्टेंटली ऑन हो गया, पर ये बहुत टाइम ले लेता है। एंड दूसरा जो हमारा बॉट है एमजी का, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, हे एस्टर, हाय, तो ये बहुत टाइम लैग कर देता है, तो बहुत टाइम सुनता नहीं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, अगर जैसे बॉट ऑन है तो यहाँ पे इसके डिस्प्ले में इसकी आईज आनी चाहिए थी एंड थोड़े वो आने चाहिए थे रिएक्शन, पर कितना लेट आया, गाड़ी कितने टाइम पहले ऑन कर दी थी। अब देख पा रहे हो कि धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है एस्टर, ये जो इसका फेस आ जाना चाहिए था बहुत पहले। तो ये थोड़े जो इश्यूज है ना इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी के, एमजी को इस पे फोकस करना चाहिए था कि ये इश्यूज नहीं आने चाहिए थे, जब इतनी अच्छी गाड़ी अगर एमजी ने ऑफर करी है तो इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी में एमजी ने ऐसे क्यों कट करा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, अब इसका 360 डिग्री पार्किंग कैम देख रहे होंगे आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी लैग कर रही है, कैमरा का बटन दबा चुका हूँ मैं, अब तक कैमरा आया नहीं है, इसका ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब मैंने कैमरा बंद करके आपके सामने कैमरा बंद करके फिर मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप देख पा रहे हो अब तक लैग आ रहा है कैमरे में, मतलब ऐसे ही बहुत टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक्स में परेशान करते हैं। अब गाड़ी क्या पता थोड़ी में चलाऊं उसके बाद है, जैसे कि अब मैंने रिवर्स गियर डाल दिया, अब तब आया गया कैमरा, जैसे कि मैं दिखाऊंगा मैंने थोड़ा रिवर्स गियर डाला तभी जाके कैमरा आया, उससे पहले कैमरा आया ही नहीं। तो ये थोड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इशू है, जैसे अब फिर ब्लैकआउट हो गया, तो ये जो इशू क्रिएट करती है ना एमजी एस्टर में, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, जैसे अब रिवर्स लगते ही फिर आ रहा है कैमरा, तो ये बहुत इशू लगते हैं मुझे एम जी एस्टर में। एंड जो क्वालिटी देखोगे ना कैमरे की, वो भी कंसिडरेबली इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर करना नहीं होता, पर उसकी एक क्वालिटी भी देनी होती है, तो क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा लैग करती है। तो ये एक मेजर मेरे को नेगेटिव लगता है इसका, डाउनसाइड जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है इतने आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते। उसके बाद जो इसकी साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी भी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती स्पीकर है ना ऑल की। एंड अब एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, माइलेज। अब माइलेज बहुत लोग कहते हैं गाड़ी की अच्छी है वैसी है, कंपनी तो लोग कहते हैं कि 15 के राउंड दे देती है, पर प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाऊंगा ना आपको माइलेज, अगर गेट बंद करेंगे उसके बाद इसमें आपको माइलेज डिस्प्ले हो जाएगी, तो माइलेज इतनी अच्छी है आपको, अभी तो जो आपको माइलेज दिखाएंगे हम 5 की आपको माइलेज दिखा रही है गाड़ी, तो NA इंजन के हिसाब से एंड मैनुअल होने के बाद अगर 5 की माइलेज दिखा रही है, तो मतलब माइलेज इसने मैक्सिमम इतनी कुछ खास कभी दी नहीं है, तो बस 5 की माइलेज MID पे डिस्प्ले कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउनसाइड लगता है कि इतनी कम ये माइलेज डिस्प्ले कर रही है। तो माइलेज वाइज अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रह सकती है गाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे को इस गाड़ी का नेगेटिव लगता है, अब जैसे MG है, इंडियन ब्रांड है, नया ब्रांड है, तो इसकी जो इतनी लोगों को ट्रस्ट नहीं है रीसेल एंड ऑल पे, तो रीसेल आपको इतनी अच्छी इसकी नहीं देखने को मिल सकती। जैसे क्रेटा लेते तो आप खड़े पैर बिक जाएगी, जब आप उसे बेचना चाहोगे इंस्टेंटली आपकी बिक सकती है, क्रेटा सेल्टोस होगी जो हमारी
रेडर होगी, ग्रैंड विटारा होगी, पर इसकी आपको वही रीसेल का वो सीन नहीं देखने को मिलता। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जैसे आपको वैग ग्रुप की गाड़ियों में देखने को मिलता है। सिमिलर टाइप का इशू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एंड एक बात मैं अच्छी हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप बायबैक की प्लान हुई है तो MG ने बायबैक का प्लान अभी इस गाड़ी के साथ ऑफर करा है। 3 साल के बाद अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो आपको 60% ऑफ द गाड़ी की वैल्यू इन शॉर्ट आपको देखने को मिल जाएगी आपको डेफिनेटली। तो अब उसमें बाइक प्लान में कुछ लूप होल्स भी हो सकते हैं, अभी उस पर क्लियरिटी नहीं है तो उसको मैं ऐसा कंसिडर नहीं करूँगा। पर अगर आप एक साल बाद कोई गाड़ी बदल रहा है तो उसमें आपको रीसेल में इसका बहुत डाउन साइड देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद अब इस गाड़ी का यही थे कुछ गाड़ी के नेगेटिव। इसके बाद मेरे को गाड़ी में और कोई ऐसा इशू नहीं लगा। एंड गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी आपको बहुत जगह देखने को मिलती है। बस एक इशू और है लास्ट में हाईलाइट करना चाहूँगा। अब ये 22-23 लाख रुपए की गाड़ी आती है, इसमें आपको ऑटोमेटिक IRVM देखने को नहीं मिलता। जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको मैनुअल आपको डे नाइट IRVM देखने को मिल रहा है। तो यही थे कुछ नेगेटिव MG Aster के। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो बटन लाइक कर दो, इसका वीडियो को यही एंड करते हैं। एज ऑलवेज सबका साथ सबका स्टार्ट।